शहीद पुष्पेंद्र सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। गोवर्धन के गांव खुटिया में रविवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने शहीद पुष्पेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। खुटिया निवासी पुष्पेंद्र सिंह 13 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर की नियंत्रण रेखा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक ठाकुर कालिंदा सिंह ने कहा कि शहीद राष्ट्र की धरोहर है और हमें शहीदों को पूरा सम्मान देना चाहिए। प्रमुख समाज सेवी प्रीतम सिंह ने कहा कि मथुरा जनपद में खुटेर पट्टी वीरों की खान है और यहाँ के कई सैनिक देश की सरहदों पर भारत माँ की सेवा में तैनात हैं। ग्राम प्रधान डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि आर्मी में तैनात पुष्पेंद्र सिंह महान देशभक्त थे जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी। उन्होंने कहा कि ऐसे महान देशभक्तों पर हमें न केवल गर्व है बल्कि युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। फिर क्या कहोगे आज इस अवसर को लेकर? आई मूर्ति स्थापना काफ़ी दिनों के बाद शुभघड़ी आई है, क्या कहोगे उसको? मैं इस शुभघड़ी पे यही कहना चाहूँगी कि मुझे सबसे पहले तो गर्व है कि जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में हुए शहीद मेरे पति पुष्पेंद्र सिंह जी की आज मूर्ति अनावरण हो गया है। फाइनली जिस चीज़ का मैं बहुत दिल से इस समाज की मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मूर्ति लगने दी उन्होंने, 6 साल बाद इस शुभ घड़ी का शुभ आरंभ हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा बस जो ये चीजें हुई हैं, ये मैं खुल के कह रही हूँ, आप चाहे न्यूज में दिखा दीजिएगा, ये जो चीजें हुई हैं किसी भी आज तक समाधि स्थल पे नहीं किया गया है। क्योंकि समाधि स्थल पे शहीद का हर कोई दर्शन करते हुए, रोड पे हो चाहे कहीं भी हो दर्शन करते हुए, चाहे ये जो छुपा दी गई है इससे क्या पता चल रहा है कि यह मूर्त स्मारक है, ये एक घर की तरह ही दीवार लगा दी गई। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इसको निकलवा दिया जाए ताकि आता जाता हर कोई इसके दर्शन करे। और जहाँ तक है कि मैं थोड़ी सी क्षमा भी मांगूंगी कि मैं थोड़ा सा लेट भी हुई हूँ, जिसका मेरे को क्योंकि समय का नहीं पता था कि क्या समय है, कब क्या होना है क्या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे भी अभी कुछ भाषण हुए हैं तो उस दौरान भी मेरा और मेरे पुत्र का नाम नहीं लिया गया है, नाम नहीं लिया गया है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सरकार देखे, जब वो मेरा खुद परिवार वाले ही मेरा नाम लेने में हिचकिचा रहे हैं तो दूसरे लोग तो क्या ही बोलेंगे। और मेरे साथ जो जो अभी मेरे सहायक गण आए हैं जैसे रिटायर्ड कर्नल तेज सिंह सर और बाकी स्टेशन हेडक्वार्टर से जितने आए हैं, मेरी 20 जाट जो मेरा परिवार है, मैं उनका तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती हूँ। सर आज मूर्ति अनावरण को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहोगे उसके? कुछ मांगे ग्रामीणों रखी है हमारे शहीद पुष्पेंद्र सिंह की, आज यहाँ प्रतिमा पर आपने देखा अनावरण हुआ है। इस अवसर पर इस क्षेत्र के और तमाम सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। निश्चित रूप से 2018 का 13 अगस्त का दिन था जब हमारे शहीद पुष्पेंद्र जी सीमा पर सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। ये इस पूरे क्षेत्र के लिए फख्र की बात है, पूरे राष्ट्र के लिए फख्र की बात है कि ऐसे योद्धा, ऐसे योद्धा हमारे देश में। हम सभी लोग उसी कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। मैं अमर शहीद पुष्पेंद्र जी को सर ग्रामीणों द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं, उस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा कि मांग। आज मूर्ति अनावरण हुआ है, भाई पुष्पेंद्र सिंह जी उसको लेकर क्या कहोगे? मैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो आज जो उनका मूर्ति अनावरण हुआ है वो पहले ही हो जाना चाहिए था, उसके लिए शासन द्वारा जब मैं भी विधायक था उसमें भी चूँकि किसी परिवार को हम उसे वापस तो नहीं कर सकते हैं, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उस समय पर जमीन की भी इस परिवार के लिए मैंने अपने प्रयास उपलब्ध कराई, जो इतनी जल्दी जमीन कभी किसी शहीद के लिए नहीं उपलब्ध नहीं कराई गई होगी। उसके लिए जहाँ जितना भी हो सके ये लोग उन पर मैंने अपना जितना प्रयास हो सकता किया। आज सभी लोग या क्षेत्र के लोग आए वो सब सभी की उनके श्रद्धांजलि देने आए और उनके लिए चरणों में सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, मैं भी अपने उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वेलकम टू लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation.
and with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.